नमस्कार दोस्तों, बैक साइड स्टोरी के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम दिन का अधिकतम समय अपने काम या अपनी जॉब पर व्यतीत करते हैं। जॉब से हर किसी का लव हेट रिलेशनशिप चलता रहता है। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूं, हिंदी में इसे पेट रोग चिकित्सक कहते हैं। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि हमारा हाजमा ठीक नहीं है, पाचन शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। तो इसलिए मैंने सोचा आज की ये कविता अपनी जॉब, अपने व्यवसाय को समर्पित करूं। आशा करता हूं कि मेरी हर कविता की तरह यह कविता भी आपको कुछ मनोरंजन और कुछ सीख देकर जाए। कविता का शीर्षक है मेरा व्यवसाय। मैं हूं पेट रोग विशेषज्ञ। कहने में कभी गंध आती है, उल्टी, पाद और मल की कथाओं में बस यूं ही दिनचर्या बीत जाती है। सुबह सुबह क्लिनिक में एक बाबूजी आए, बोले आंत में जर्र जर्र होता रहता है, शौच में बैठूं तो मानो पीछे झरना बहता है, डॉक्टर साहेब दिल बड़ा परेशान है, डॉक्टर साहेब दिल बड़ा परेशान है, क्या आपके पास इस समस्या का समाधान है? फिर एक महिला आई, बोली पेट में फुलावट है, दिल कच्चा है, खा नहीं पाती, मानो खाने से बगावत है, हृदय विचलित है, चंचल मन अब सुनसान है, क्या आपके पास मेरे इलाज का सामान है? एसिडिटी छाती में आग लगाती है, तो किसी को कब्ज पेट में दर्द जगाती है, कोई उबकाई से ग्रस्त है तो किसी को दस्त जबरदस्त है। बहुतेरे मरीज रोज पूछते हैं क्यों उनकी पाचन शक्ति इतनी अस्वस्थ है। उत्तर बड़ा सरल एवं स्पष्ट है, इन चार बातों का ध्यान अनिवार्य है। हाजमा बढ़ाने का तो ये सामान्य कार्य है। भोजन प्राकृतिक, ताजा व साधारण हो। दिन में कम से कम 7-8 ग्लास जल धारण हो। रोज व्यायाम एवं कसरत का दस्तूर हो। अच्छे कर्म, मस्तिष्क नर्म, और चाहे नकली ही हो पर मानस में हर्ष भरपूर हो। पाचन के रोग मस्तिष्क की क्रिया से बड़े प्रभावित हैं। तभी तो ये उपयुक्त हिदायतें प्रस्तावित हैं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, निर्मल आचरण करें। लाइक एवं कमेंट कर प्लीज मेरा प्रोत्साहन करें। धन्यवाद। आशा करता हूं कि मेरी ये कविता आप सबको पसंद आई हो। प्लीज इसे अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट्स लाइक कर मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं और मुझे अपनी विचार, अपनी सोच जरूर बताएं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। अगली कविता में ही बताऊंगा कि किसके बारे में कहता हूं। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।